नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज में LM सिंघवी समिति, थंगुन समिति और गार्ड गिल समिति, BP सिंह सरकार और नरसिम्हा सरकार, राजीव गांधी सरकार के संवैधानिकरण के बारे में। दोस्तों, MLA सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्द्वार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुलंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज के निकाय के लिए नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी। गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। ग्राम पंचायतों की ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों को पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। गांवों की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। थंगुन समिति 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति भी PK थंगुन की अध्यक्षता में राजनीतिक और अप्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया गया। इस समिति में निम्न अनुसारें इस प्रकार थी। पहला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज हो। तीसरा, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। इस जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को रापिद 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। पांचवा, एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह तक होनी चाहिए। छठा, राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। सातवां, पंचायती राज को केंद्रीय विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज में 3 स्वरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए और हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त वितरण के लिए पात्रता बिंदु पर विधियां तय करेगा। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। गार्डहिल समिति 1988 में VN गार्डहिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में समिति ने निम्न अनुशंसा या रिकमेंडेशन की थी। पहला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरा, गाँव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष तक सुनिश्चित होना कर दिया जाना चाहिए। चौथा, पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों को सीधा निर्वाचन होना चाहिए। पांचवा, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। छठा, पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायती क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे और उन्हें कार्यान्वित करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को कर, टैक्स और ड्यूटीज लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होगा। आठवां, एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों की वित्त का आवंटन करे। नवा, एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराएगा। गार्ड गिल समिति की यह अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी और इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। संवैधानिकरण, जिसमें राजीव गांधी सरकार, LM सिंघवी समिति के उपरांत अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया।
राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। यद्यपि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया, किंतु विधानसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने करने का प्रावधान था। वीपी सिंह सरकार। नवंबर 1989 में वीपी सिंह ने प्रधानमंत्रित्व के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यालय संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि वे पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेंगे। जून 1919 में पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने के संबंध में मुख्यमंत्रियों को 2 दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक के पेश करने के प्रस्ताव मंजूरी दी। परिणामस्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक ही समाप्त हो गया। नरसिम्हा राव सरकार। वीपी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसके प्रारंभ में विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अतः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 के प्रभाव में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।